संजीवनी 2 के फैंस के लिए आई एक बुरी खबर। बदल जाएगी आपकी एक चहेती डॉक्टर। सीरियल संजीवनी 2 ने जब से टीवी पर दस्तक दी है तब से ही लोग इस शो को भरपूर प्यार दे रहे हैं। इस मेडिकल ड्रामा शो में लंबे समय के बाद डॉक्टर्स की जोड़ियां धमाल मचाती नजर आ रही। वैसे भी इन दोनों कहानी में खूब ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। कहानी में जहां एक तरफ डॉक्टर सेड और डॉक्टर ईशानी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर शशांक वर्धान की पोल खोलने में लगे हुए हैं। तो वहीं इसी बीच सीरियल से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर आप काफी सैड हो जाएंगे। जी हाँ, संजीवनी की एक फेमस एक्ट्रेस रातों रात शो से बाहर हो गई। और जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वो है रश्मि सिंह, जो सीरियल में डॉक्टर आशा कवर के किरदार में नजर आती हैं। लेकिन अब रश्मि शो में नजर नहीं आएंगी क्योंकि वो सीरियल से बाहर हो चुकी हैं। वेल, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि रश्मि ने खुद शो छोड़ा है या फिर रश्मि को रिप्लेस करना मेकर्स का कोई फैसला था। फिलहाल तो आप तैयार हो जाइए नई डॉक्टर आशा से मिलने के लिए, क्योंकि मेकर्स ने डॉक्टर आशा कवर के रोल के लिए नई एक्ट्रेस को भी साइन कर लिया है। जी हाँ, अब डॉक्टर आशा के किरदार में आपको टीवी की फेमस एक्ट्रेस चांदनी भगवानवानी नजर आएंगी। चांदनी इससे पहले सीरियल रूप मर्द का नया स्वरूप में नजर आई थी। चांदनी ने संजीवनी का हिस्सा बनने और सीरियल में रश्मि को रिप्लेस करने वाली बात को खुद कंफर्म किया है और बताया कि वह संजीवनी 2 में डॉक्टर आशा का रोल प्ले करने वाली है। चांदनी सेड, इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस समवन बिकॉज पीपल हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड हिम और हर इन दैट रोल। डू आई लव चैलेंजेस, आई एम बिट नर्वस एज आई विल बी फेसिंग कैमरा ऑलमोस्ट आफ्टर ईयर एंड दैट टू विद अ कैरेक्टर समवन एल्स हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। हाउएवर I will not treat it as a replacement and will approach it as a new character and will play it my own way. Well, Chandni ke statement se saaf hai ki wo jaldi aap sabhi ke beech Dr. Asha bankar nazar aane wali. Aise mein aap bhi comment box mein zarur bataiye ki aap show mein apni purani Dr. Asha yani Rashmi ko kitna miss karne wale hain. Saath hi ab serial mein nayi actress Chandni ko dekhne ke liye kitne excited hain.